घर की नारी सुबह उठते ही ये तीन काम करती है, उस घर की बरकत कभी नहीं रुक सकती। उस घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग कभी दुखी नहीं हो सकते, जिस घर की नारी ये तीन काम करती है। अब संपूर्ण माता ये सोच रहे हैं वो तीन काम कौन से हैं, जल्दी से बता देते सुनने को मिल जाता। अब ध्यान से सुनेगा, अगर आपको सच में जानना है तो पूरे वीडियो को सुनेगा, और आप अपने ननंद को, भाभी को, अपनी सासू माँ को भी शेयर कर सकते, पहुंचा सकते, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ताकि सबको पता चले नारी के भीतर ये तीन गुण, ये तीन काम अगर नारी करती है तो घर को धन से भर देती है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती जिस घर की नारी ये तीन काम करती है। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम। जो नारी उठते ही माँ धरती को, धरती माता को प्रणाम करती है, ऐसी नारी सदैव सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण रहती है। उठने के बाद आप सबसे पहले अपना पैर धरती पर रखते हैं। धरती क्या है? हमारी माँ है, जिसके ऊपर हम पूरे दिन रहते हैं, जिनके ऊपर रह करके हम अपने जीवन के हर काम करते हैं। तो सुबह सुबह धरती माँ को प्रणाम करिएगा, और प्रणाम करके निवेदन करें कि हे माँ, आपके ऊपर हम पैर रखने जा रहे हैं, हम दिन भर जो भी काम करें उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। अगर आप ऐसा निवेदन करके धरती माँ को प्रणाम करते हैं तो उस घर में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद में कहा, जब नारी सुबह रसोई घर में प्रवेश करे तो अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करें, ये दूसरा प्रणाम है। रसोई घर के दरवाजे में प्रणाम करके ही घर के भीतर प्रवेश, रसोई घर के भीतर प्रवेश करिएगा। अगर घर की नारी अन्नपूर्णा माँ का पूजन करती है, कई लोग तो अन्नपूर्णा माँ का व्रत भी करती है, अगर भले घर में गरीबी है, कमाने वाले एक हो, खाने वाले दस हो, लेकिन घर की नारी अन्नपूर्णा का व्रत करे और पूजन करे, सदैव अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करे, तो एक व्यक्ति की कमाई बड़े आसानी से दस व्यक्ति को बैठे बैठे खिलाने का क्षमता रख सकता है, केवल माँ अन्नपूर्णा की कृपा से। तो ऐसा अवश्य करिएगा। आप लोग सोचते हैं ना, घर में कमाने वाले केवल एक हैं, खाने वाले दस हैं, कैसे घर चलेगा? अगर नारी में अगर ये शक्ति हो, नारी में पवित्रता हो, अन्नपूर्णा का सम्मान करना नारी सीख ले, तो वही गुण घर को धन धान्य से, ऐश्वर्य से भर देता है। आप करके तो देखो कितनी अच्छी बात हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं तो पीछे रह जाओगे। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़े तो ये काम अवश्य करिएगा। फिर उसके बाद में कहा, अगर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का स्वभाव नारी के भीतर है तो ऐसे घर में तो देवता भी प्रसन्न होकर के निवास करते हैं। जिस घर की नारी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती है, ऐसा नहीं कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो गए तो आप उनको देख करके मुंह बना लिए, आपके घर में सास ससुर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको रोटी देने में भी तकलीफ हो रहा है, आप सोच रहे हैं कब ख़त्म हो जाए तो जीवन सुखमय होगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। आपके घर में खुशियाँ हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप जीवन में कोई भी परेशानी में फंस रहे हो, उससे निकलने का समाधान बुजुर्ग आपको बता रहे हैं। इसलिए घर की नारी को चाहिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, यही सब चीज़ें आपको धनवान बना देता है। प्यार से बोल दीजिए।